नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरीके से संतोष रेणु यादव और छोटू चिंगारी के बीच में विवाद हुआ था और एक दूसरे के जाति को लेकर जिस तरीके से कटाक्ष किए हुए थे, उसके बाद जो है संतोष रेणु यादव को जेल हो गया है और उसको जो है एक जेल से दूसरे जेल और दूसरे जेल से तीसरे जेल में लगातार ट्रांसफर किया जा रहा है और बात जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं बात ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय यादव समाज है वो छोटू चिंगारी पर केस दर्ज किया था और उसके बाद से छोटू चिंगारी जो है वो अपने घर से फरार है और उसको पुलिस जो है वो खोजबीन और जांच कर रही है। हालांकि उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है और ना ही ऐसी कोई खबर गिरफ्तारी को लेकर आई है। लेकिन जिस तरीके से लगभग 3-4 दिन हो गए संतोष रेणु यादव जेल में हैं, उसके बाद जो है एक लेटर भी लिखा गया था जो औरंगाबाद के जो उनके जो यादव समाज के लोग हैं उन्होंने लेटर लिखा था, लेकिन उसका कोई अभी तक आउटपुट नजर नहीं आया है। लेकिन इसी बीच जो है एक आंदोलन टाइप की जो चीजें होती है, कहीं ना कहीं एक लोगों को छुड़ाने के लिए जिस तरीके से लोग जो है रोड रोड पर आकर जो है टायर फूकने लगते हैं, गाड़ियों के साथ प्रचार करते नजर आते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, जिससे कि लोगों के बीच मैसेज आए, लोगों के बीच संदेश जाए कि संतोष रेणु यादव को जेल से छोड़ दिया जाए। इसी बीच जो है जैसे कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तमाम कई सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस तरीके से अखिल भारतीय यादव महापरिषद के लोग जो है बैनर तले संतोष रेणु यादव को जेल से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। तो लोग जो है कई जगहों पर टायर जलाते भी नजर आए ताकि जो है इनको जेल से बाहर किया जाए और इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर पुलिस प्रशासन को कैसे पड़ता है या फिर अभी और कुछ दिन तक जो है संतोष रेणु यादव को जेल में रहना पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।